कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन लाइफ। आज का जो टॉपिक है वो प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है। इसमें हम पुरापाषाण काल से संबंधित कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स लेंगे, एग्जामिनेशंस की दृष्टि से बेनिफिशियल हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट की ओर मूव करते हैं, जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं होता है तो उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। जिस काल का कोई साक्ष्य नहीं होता है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य अपना सांस्कृतिक जीवन कब से प्रारंभ करता है तो लगभग 30 लाख ईसा पूर्व से मनुष्य अपना सांस्कृतिक जीवन प्रारंभ करता है। मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट, प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है तो इसको 3 भागों में बांटा गया है, निम्न पुरापाषाण युग, मध्य पुरापाषाण युग और उच्च पुरापाषाण युग। मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट, भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष से प्रस्तर युग के संदर्भ में अनुसंधान प्रारंभ हुआ तो 1863 ईस्वी से भारत में सर्वप्रथम प्रस्तर युग के संदर्भ में अनुसंधान प्रारंभ हुआ। मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट, भारत में किस भूवैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद ने प्रस्तरयुगीन बस्तियों का अन्वेषण प्रारंभ किया तो रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने इस संदर्भ में कार्य किया। मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट, डेनमार्क में कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया गया था तो ये किसने किया था, ये थॉमसन महोदय ने किया था। थॉमसन महोदय ने इस संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ये आपको दिमाग में रखनी है, ध्यान रखनी है। मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट, भूवैज्ञानिक पुरातत्वविद रॉबर्ट ब्रूस ने किस स्थान से पहले हैंडैक्स प्राप्त किया था तो पल्लवरम नामक स्थान से, जो कि मद्रास के समीप है, वहाँ से उन्होंने हैंडैक्स प्राप्त किया था। मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट, अतिरम पक्कम नामक स्थान से पूर्व पाषाण काल के उपकरणों की खोज किसने की थी तो विलियम किंग ने इस संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अतिरम पक्कम नामक स्थान से पूर्व पाषाण काल के उपकरणों की खोज विलियम किंग ने की थी। मानव विकास क्रम देख लेते हैं तो इसमें जो फर्स्ट है मानव विकास क्रम में आप देख सकते हैं कि रमा पिथेकस है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, होमो इरेक्टस है और नियंडरथल है और होमोसेपियन है। ये स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं मानव विकास क्रम के। मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट, मानव विकास क्रम में मानव का आदि पूर्वज बना कौन बना, मानव का जो आदि पूर्वज बना और पूर्व अत्यंत नूतन काल में प्रकट हुआ था उसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहते हैं। मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट, जिसकी तरफ हम चलते हैं कि जो इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशंस की दृष्टि से और इसमें संबंध जो क्वेश्चंस हैं वो पूछ लिए जाते हैं। आधुनिक मानव का विकास लगभग 30,000 वर्ष पहले हुआ था उसे होमोसेपियन कहते हैं और होमोसेपियन को इन नामों से भी जाना जाता है, प्रज्ञ मानव, क्रोमैग्नोन और चार्ल्स लेग्रिमाल्डी, ये स्पेसिफिक इसके नाम हैं। उसी तरह से आगे की ओर बढ़ते हैं, पुरापाषाण युग से प्राप्त उपकरण किस प्रकार के थे तो क्रोड उपकरण, हस्तकुठार, हैंडैक्स, विदारणी, क्लीवर, खंडक, गड़ासा इत्यादि इसको कहा जाता था। मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट, पुरापाषाण युग के उपकरण किन किन क्षेत्रों से पाए गए हैं तो एक तो बेलन घाटी है, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में है, सोहन घाटी है, नर्मदा घाटी है, भीमबेटका के चित्रित शालाश्रयों से ये प्राप्त हुए हैं। मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट, मध्य पुरापाषाण को अन्य नामों से जाना जाता है, उसे फलक संस्कृति से भी जाना जाता है। मध्य पुरापाषाण युग के प्रमुख उपकरण थे वेदनी, छेदनी, खुरचनी, ये मध्य पुरापाषाण युग के प्रमुख उपकरण थे। मध्य पुरापाषाण युग के उपकरण बने थे तो मध्य पुरापाषाण युग के उपकरण बने थे शल्कों के बने विविध प्रकार के फलक से। उच्च पुरापाषाण युग के प्रमुख उपकरण हैं तक्षणी, खुरचनी, ब्लेड्स और ब्यूरिन्स, चापर, चॉपिंग, पेबुल। संस्कृति के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए तो ये सोहन घाटी से प्राप्त हुए, ये आपको दिमाग में रखना है। मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट, भारत में पुरापाषाण उपकरण सर्वप्रथम कहाँ से मिले थे तो पल्लवरम मद्रास से मिले थे।
परिष्कृत औजार किस युग को माना गया? उच्च पुरापाषाण युग को माना गया। उच्च पुरापाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? तो बेलन घाटी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुई और सिंहावल एवं संघोवापुरा स्थल है। निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का। निम्न पुरापाषाण कालीन स्थल हथनौरा नर्मदा घाटी की खोज 5 दिसंबर 1982 में किसने की थी? तो डॉक्टर अरुण सोनकिया ने की थी। यह आपको दिमाग में रखना है, डॉक्टर अरुण सोनकिया। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू।